From today, we are going to start the PYQs. तो इससे क्या होगा कि हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इंग्लिश लिटरेचर के लिए. तो चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय बेन जॉनसन एंड्स विद द परफॉर्मेंस ऑफ अ पपेट प्ले इन इमिटेशन ऑफ मार्लोस हीरो एंड लिएंडर. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है कि बेन जॉन्स का वो कौन सा प्ले है जिसमें पपेट प्ले आता है, जैसे मार्लो के प्ले में आया था, हीरो एंड लिएंडर में पपेट प्ले आया था, तो बेन जॉनसन के कौन से प्ले में आता है. हियर द राइट आंसर इज सी, बार्थोलोम्यू फेयर. इसमें जो एक पपेट शो आता है जो बार्थोलोम्यू फेयर में परफॉर्म किया जाता है. तो चलिए अब हम इस प्ले की समरी देखते हैं. पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो बेन जॉनसन है वो जैकोबियन एज के बहुत इम्पॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट है. सो वो विलियम शेक्सपियर के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट है हमारे पास वो है बेन जॉनसन. तो चलिए शुरू करते हैं इस प्ले की समरी. इट्स अ कॉमेडी विच इज़ रिटन इन 1604 है. वो लैग कर रहे हैं, उनकी कमी है. सो बुक कीपर है जो उसे स्टे से भगा देता है बिकॉज वो कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता. तो उसके बाद जो बुक कीपर है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो रीड करता है राइटर और एक ऑडियंस के बीच में जो होता है उसे. इसमें वो क्या बता रहा है कि ऑडियंस को चाहिए कि वो ज़्यादा जज ना करे एक्टर्स को या जो प्ले परफॉर्म किया जा रहा है. तो ऐसा भी बोला जाता है कि जो ये करेक्टर है बुक कीपर वो यहाँ पे बेन जॉनसन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इसके बाद प्ले शुरू होता है लिटिल बिट के हाउस से. लिटिल बिट, क्वॉर्नस, विन वाइफ, दीज थ्री आर द फ्रेंड्स, जो तीनों फ्रेंड्स हैं और ये लिटिल बिट के हाउस में है. लिटिल बिट की वाइफ है विन. तो जो डिसाइड करते हैं कि फेयर में जाएंगे, वाट होलो में फेयर में जाएंगे, तभी इनके पास है वास्प आ जाता है जो एक कंट्री साइड से आया है शहर में. क्यों आया है ये, बिकॉज इसे ग्रेस वेलबॉर्न से शादी करनी है, इसलिए वास्प है जो शहर में आया है. तो ये चारों डिसाइड करते हैं कि फेयर में जाएंगे. तो दूसरी साइड ग्रेस वेलफॉन जो जस्टिस एडम ओवरडू की डॉटर है और इसकी मदर, ये भी डिसाइड करते हैं कि ये भी फेयर में जाएंगे. ओके, यहाँ पे जो ये करेक्टर है डेम प्योरक्राफ्ट, ये लिटिल बिट की मदर इन लॉ है जो जील ऑफ लैंड बिजी से एंगेज्ड है. इनकी एंगेजमेंट हुई है इनसे. अब लिटिल बिट क्या चाहता है कि जो ये एंगेजमेंट है ये टूट जाए बिकॉज जील ऑफ लैंड बिजी है जो एक हिपोक्रेट है और ये एक प्योरिटन है, हिपोक्रेट है. तो इसलिए ये चाहता है कि डेम प्योरक्राफ्ट की जो एंगेजमेंट है इससे टूट जाए. और उसके बाद हम देखते हैं जो क्वॉर्नस एंड विन वाइफ हैं, ये दोनों ही पहले तो जो ग्रेस वेलबॉर्न के पीछे पड़े होते हैं दोनों ही, उसके बाद जो डेम प्योरक्राफ्ट के पीछे पड़ जाते हैं. ठीक है, अब जो जब ये फेयर में जाते हैं तो वास्प है जो वो ग्रेस को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है. वहाँ पे क्या होता है कि जो क्वॉर्नस एंड विन वाइफ हैं वो जो वास्प के पास एक मैरिज लाइसेंस है उसे चुराना चाहते हैं ताकि वो डेम प्योरक्राफ्ट से मैरिज कर सके. ठीक, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, वहाँ पे एक इन्हें पर्सन मिलता है एजवर्थ. जो एजवर्थ है जो एक चोर है, तो ये उससे कैसे मिलते हैं, जो जस्टिन एडम ओवरडू है ये भी उस फेयर में गए हैं ताकि वहाँ की जो कमियाँ हैं वो देख सकें और उन्हें सुधार सकें. बिकॉज ये लॉ इन्फोर्समेंट का जो काम है बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, तो
तो ये एजवर्थ क्या करता है कि इन पे इल्ज़ाम लगा देता है चोरी का। तो उसके बाद जो वास्प है, जो एक्चुअल में एडम ओवरडू की डॉटर ग्रे से मैरिज करने के लिए आया है, ये क्या करता है, ये अपने ससुर को ही पीट देता है, बिकॉज़ ये डिस्गाइज में होता है, भेस में होता है, तो ये उसे पहचान नहीं पाता, इसे ही पीट देता है। तो इसके बाद इसे जेल हो जाती है, ये भी अरेस्ट हो जाता है। और जब ये अरेस्ट होता है, तभी जो एजवर्थ को कॉर्लिस एंड विन वाइफ क्या काम देते हैं कि इससे जो मैरिज लाइसेंस है वो चुरा के लाए। तो एजवर्थ ऐसा ही करता है। अब मैरिज सर्टिफिकेट है जो वो विन वाइफ को मिल चुका है। अब जो कॉर्लिस है वो चाहता है कि ये सर्टिफिकेट उसे मिल जाए, तो वो उससे भी चुरा लेता है, विन वाइफ से। अब जो मैरिज लाइसेंस है वो कॉर्लेस के पास है। तो अब क्या होता है कि ये जो कॉर्लेस है, अब वो डेम प्योर क्राफ्ट से मैरिज कर लेता है, और जो विन वाइफ है वो ग्रेस वेलबॉर्न से मैरिज कर लेता है। तो बाद में इसका पता चलता है कि ये डिसगाइज में था, तो इसके बारे में पता चलता है। ये सबको सज़ा देना चाहता है, बट यहाँ पे क्या होता है, जो कॉर्लेस है वो एडम ओवरडू को रोकता है ये सब करने से, और इसे कहता है कि वो सबको फॉरगिव करते, माफ़ करते। तो यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू सो मच।